मेरा नाम कुलदीप सिंह संधु है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट तो बिलोंग करता बिच उत्थे मेरा पिंड है एक साधु वाला। तो मैं CET का पेपर क्वालीफाई किया जिसे जो मेरा 26th रैंक आया। तो मैं सनी कोचिंग क्लासेस तो कोचिंग ली सी जो मैं बहुत ही वधिया लगी तो बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलिया। तुसी CET तो इलावा कोई होर एग्जाम भी दिता किसी? मैं जी मेन्स का एग्जाम दिता से क्योंकि जी अपने मेन अपने दिमाग से होंगी है भी बंदा नॉन मैडिकल कर रहा है भी जी मेन्स तो देगा ही देगा। उमें फिर ऐतकी मैं भी जी मेन्स भरया पर जी मेन्स की मैं तैयारी मतलब ठीक ठाक की क्योंकि जो मेरा ध्यान से BSc एग्रीकल्चर का। एक गल होर है जे आप जी तैयारी करते हैं जेड़े जेड़े पेपर की उही पेपर क्लीयर होने ज़्यादा चांस होंगे जोड़ा नाल हो नहीं हों भी हो जाए क्योंकि हरेक पेपर का आपका आपका हिसाब आपका आपका सिलेबस है। तो मैं दिता सी मेरे वे मैं लगता हाईएसट आए है 74 खनी 80 आए थे तो 80% आए आए तो बाकी क्योंकि हम 80% आई जो आप वधिया थान लैनी है तो इतू भी ज़्यादा चाहिए है। उ जे मैं यदि तैयारी की BSc एग्रीकल्चर पूरा इरादा सी मैं इतने जाना है तो मतलब सारा कुछ किया भी आप कोचिंग भी ली तो करके वधिया क्लीयर भी होया वधिया रैंक भी आया। CET JEE मेन्स दे नालों किन्ना क लग गया? CET JEE मेन्स नालों पूरा ही लग गया जी आप एक हिसाब का यही कह सकते क्योंकि पूरा ही लग गया क्योंकि वो हूँ वेखो भी मैं लगता 75 क्वेश्चन करने होंगे है वो क्वेश्चन का करन का भी आप टाइम ज़्यादा भी ला सकते हैं पेपर वो क्वेश्चन व्डे भी होंगे है वो उन्होंने कंसैप्ट कलैरिटी नहीं वेखनी कली उन्होंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराने ज़्यादा लंबे लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो CET है ये उन्होंने थोड़ी टाइम लिमिट भी वेखनी है जिम्मे हम मेरे मैं लगता एक्स 180 मिनट्स मिले थे तो उस मैं लगता मैं 134 क्वेश्चन के 132 क्वेश्चन करने से वन मैं लगता 166 से हाँ 166 क्वेश्चन से। तो हूँ जो आप जा टाइम ला के वेखिए तो एक क्वेश्चन में एक मिनट ही मिलया भी कई मैथ के क्वेश्चन होंगे जो ज़्यादा टाइम भी लेंगे तो टाइम लिमिट बहुत मैटर करती पर जी टाइम लिमिट उन्नी मैटर नहीं करती वो क्वेश्चन घट्ट होंगे बंदा उम्मीद करी जाता बाकी थोड़ा जहाँ लैवल हाई हों जी मेन्स का आप ये कह सकते हैं क्योंकि लेंदी होंगे क्वेश्चन आप सॉल्व करने पेंदे कली कली कैलकुलेशन। अगर एक बच्चा जेई मेन्स के लिए तैयारी कर रहा है तो कि वो CET भी समझ लिए भी अपने आप क्लीयर हो जाएगा क्योंकि जेई मेन्स लिए तो कर ही रहा है? नहीं ये नहीं कह सकते भी आप जी जेई मेन्स वास्ते कर रहे हैं CET भी हो जाए क्योंकि मैं अगे भी जो दस्या हरेक का आपका सिलेबस आपकी टाइम लिमिट है वो बंदा जो जेई की कर रहा है तो वह टाइम खुला होंगे बंदा कर भी लेंदा सोच भी लेंदा पर सोचने का टाइम है नहीं ये तो करन का टाइम है भी आप करना अपन किया वह तो कर दो नहीं किया तो आप टाइम नहीं लाना ये टाइम लिमिट बहुत मैटर करती है।